हाँ सर ऑनलाइन वाला देख लो भाई, दिख रहा है बोर्ड ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देख। कौन ज्वाइन कौन कर रहा है लोगों को? मैं। आपके पास है ना मोबाइल? आपके पास वहाँ है ना हाथ में? क्योंकि लोग तो आते रहते हैं भाई देखने ना, पूरे 10:30 तक आते रहते हैं। ऑनलाइन में यही फायदा है कि लोग आखिर 1 मिनट तक मोमेंट तक आते हैं क्लास में जब उनको टाइम मिल जाए। कल हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? नहीं वो लेफ्ट नहीं होता लिखा आता है वहाँ पे। उसमें देखियो नहीं हाइट बचा अभी। देखो कल जो लोग यहाँ थे वहां थे मुझे नहीं पता, बट जो भी लोग कल थे उसमें क्या बोलिए। हाँ कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में बात करिया था, और ग्रेविटेशन में सबसे पहले अपन ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करा था। अब ठीक है ग्रेविटेशन में बात करा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया था। वहां पर हम लोगों ने कहा था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सर्टन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर इस हिसाब से सारी चीजें आपस में कैसे हो जानी चाहिए, चिपक जाना चाहिए। और चूंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि चीजें हिल नहीं पाती, उसी में हम लोगों ने जब आगे बढ़ाया था तो क्या बात किया था, जब एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो और दूसरी बॉडी का मास भले ही कम हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अर्थ और अपने बीच में लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं आती, वो ज्यादा वैल्यू आती है। ज्यादा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी बॉडी को अगर अर्थ के सरफेस पे ऊपर कहीं पर भी हम लोग छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उसी को हम लोगों ने कहा था स्मॉल जी, जिसे हम लोगों ने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब ये स्मॉल जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थे, तो वो चार फैक्टर थे। तो लास्ट वाला फैक्टर था अपना ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, तो शेप के कारण क्या होता है कि चूंकि अर्थ को अपन एलिप्टिकल मानते हैं, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने हाइट का एक केस देखा, हाइट में हालांकि फॉर्मूला वही बनता है, वो फॉर्मूला आप लोग देख लो। तो जो हम लोग 9.8 कहते हैं वो कहाँ पे है, सरफेस पे है, जब हम लोग हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, कितनी कम होगी तो R/2 पे चेक कर ली थी, आर पे भी आपने बोला आर पे भी निकाल लोगे, ऐसे किसी भी हाइट पे निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड। अब उस फॉर्मूले को हम बना तो लिए थे कि यहाँ जीएस थी, यहाँ पर जीएस, यहाँ और यहाँ का रेशियो ये अपन ने बना ली, इससे अपन ने परसेंटेज वाला फॉर्म भी देख लिया था। अब दो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको देखना, एक तो पूछ सकते हैं कितनी बची शब्दों में इंग्लिश में, व्हाट इज द रिमेनिंग ग्रेविटी एट अ हाइट, तो बोल देंगे आर बाई टू पर कितनी बची, आर पर कितनी बची, टू आर पर कितनी बची, तो कहीं पर भी कितनी बची अगर वो निकालना है, कहीं पर भी कितनी बची अगर वो निकालना है तो जीएच की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बचेगा कितनी रिमेनिंग है कितनी। दूसरे टाइप का जो अपना क्वेश्चन बनता है वो क्या था, परसेंटेज, अगर परसेंटेज इन ग्रेविटी पूछेगा तो जीएच माइनस जीएस अपॉन जीएस इनटू 100, तो इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूं आंखों पर चमक रही, उसको पॉज करना, पॉज नहीं होता, फिर पॉज नहीं होता, पॉज नहीं होता, तो जान बढ़िया चीज आ गई। आईफोन के फटाफट लिखना, एट वॉट हाइट शुड वी मूव From the surface of Earth, at what height should we move from the surface of Earth? At what height should we move from the surface of Earth? Should we move from the surface of Earth so that the gravity
सो दैट द ग्रेविटी, अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखना, पहला क्वेश्चन, सो दैट द ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 64%, डिक्रीजेस बाय 64%. दूसरा लिखना, डिक्रीजेस टू 64%, डिक्रीजेस टू 64%, डिक्रीजेस बाय 64%. सेकेंड, डिक्रीजेस टू 64%. तीसरा डिक्रीजेस टू, नहीं, डिक्रीजेस बाय 2%, डिक्रीजेस बाय 2%. ये तीन क्वेश्चन है जो आप लोग को अलग अलग जगह मिलेंगे, इन तीनों को मैंने कंबाइल कर दिया. देखो इसको सब एक बार रीड कर लो, अब आपको समझ में कैसे आएगा वहां पर क्वेश्चन किसका है. तो आप लोगों को वही पढ़ना, उसने क्या बोला, एट व्हाट हाइट. हमारा कंक्लूजन क्या है, तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी. तो वही पूछेगा कि कितनी हाइट पर जाने पर, इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम है, पहला वाला क्या बोलता है. अब इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं सिर्फ ये यहीं आता है, शायद पहले भी कभी आया होगा या आगे भी कहीं पर आएगा. तो बाय बोला, कितनी हाइट पर जाने पर ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय, बाय मतलब 64% से कम हो जाएगी. डिक्रीजेस बाय 64, तो 64 से क्या हो गई, कम हो गई, तो बची कितनी, 36. तो ये जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं ये वाला, तो इसलिए इसको भी बोलते होंगे शब्द जरूरी. तो ये जो फॉर्मूला हम कहते हैं, ये h ऊंचाई पर जाने पर कौन सी ग्रेविटी रिमेनिंग है, ये h ऊंचाई पर जाने पर कितनी ग्रेविटी बची है, वो हमारी क्या है, gsa. तो जब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, दिस जी एच इज द रिमेनिंग ग्रेविटी. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्थ बना ले, हमें पता है सरफेस पे कितनी है gs, That is कितनी, 9.8. ऊपर गए, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होते होते h ऊंचाई पर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 64% से क्या हो गई, कम हो गई, मतलब gh कितना है, 36%. किसका, gs का. अब देखो यहाँ पर परसेंट में ही ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें जो कुछ नई बात करनी है वो तीसरे वाले केस में, वहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, उसको अपन देखते हैं. तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं. तो उसने पूछा कि कितनी हाइट पर जाने पर, कितनी हाइट पर जाने पर 36% बचेगी या फिर 64% कम हो जाएगी. एक ही बात है बस, जैसे बच्चों हाइट वाला फॉर्मूला देखते हो तो आप लिख दीजिए फॉर्मूला, ये लिख दिया. अब क्वेश्चन में, कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहां पर हाइट दी थी, दोनों क्वेश्चन पर विचार कर लो, 90% सभी बुक्स में वही क्वेश्चन है. आप उसको कैसा भी घुमा लो, तो या तो वो हाइट देगा, वो बोल देगा आर बाई टू पर जाने पर कितनी बचेगी, तो यहाँ पर h की वैल्यू r बाय टू रख दोगे, r जाने पर कितनी बचेगी, तो h की वैल्यू r रख दो, r जाने पर कितने परसेंट कम हो जाएगी, तो निकाल लोगे बची हुई, और परसेंटेज फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल लोगे. अब ये इसका उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 64% कम हो गई, मतलब h ऊंचाई पर 36% बची, तो इसकी वैल्यू 36 रख दो, तो इसकी वैल्यू रख दूंगा 36% ऑफ जीएस अपॉन जीएस. सॉल्व करना देख लेना, दैट इज इक्वल टू यहां पर 64 × 10^5 आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. क्वेश्चन में बताना क्या है, हाइट, तो कितनी हाइट पर जाने पर 36% ही सिर्फ बचेगी, तो बस इसको सॉल्व कर लो, जीएस से जीएस कैंसिल, परसेंट है हटाऊंगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 36/100 इज इक्वल टू R upon R plus H का whole square. एग्जाम में वो वैल्यू देंगे, एग्जाम में वो वैल्यू देते हैं, तो ऐसी वैल्यू देते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए. देखो ना, परसेंट है, परसेंट को डालते 100 से डिवाइड, बस अब इधर क्या, इधर स्क्वायर है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर 36/100 का रूट, और यहाँ रूट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 36 का 6 इसको देख लो और अच्छे से सॉल्व कर ले आगे, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6R + 6H इसको देख लो, तो 6H बराबर कितना, 4R - 6R दैट इज 4R, तो h बराबर कितना, 4R/3 या फिर 2R/3. अब इसको देखो शब्दों में, तो
तो H इज इक्वल टू 2R बाई 3। R क्या है? रेडियस ऑफ बात करी थी हाँ, तो यहाँ पर तो थे। कल हम लोगों ने बात करी 6400, तो H की वैल्यू जो मैं यहाँ पर बच्चों रख दूंगा देखो तो 2/3 आ रही है, सॉल्व करके 2R/3 आई। जब R की वैल्यू रख दूंगा कितनी 6400 किलोमीटर, तो इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये जिसमें वन सब दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो ना किलोमीटर अप्रोक्सीमेट पकड़ लो। अब सुनो यहाँ तक काम करने के बाद भी मेरा सजेशन है इसको शब्दों में बोलते हैं, ये अपने को मिल गया 4266 किलोमीटर, इसको शब्दों में बोलेंगे मतलब इतनी हाइट पर अगर हम चले जाएंगे, इतनी हाइट पर 4266 किलोमीटर सोच के देखो 4266 किलोमीटर तो मुझे लगता है बहुत ऊपर काफी ऊपर हो जाएगा, तो इतनी ऊपर जब आप जाओगे तब ग्रेविटी जो है वो 64% से कम हो जाएगी। सरफेस पे 9.8 है तो 64% से कम होके सिर्फ कितनी बचेगी 36% बचेगी, इसको देख लो। तो वैसे तो मुझे लगता है 90% जो क्वेश्चन है हाइट वाले वो इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं, आप कुल मिला के वो जैसा भी घुमा दे ग्रेविटी में परसेंटेज दे दे या ग्रेविटी में परसेंटेज पूछ ले एक ही बात है, इसको देख लो। लिखो ने अब इसी के सेकंड पार्ट में क्या दिए बाकी लोग विचार कर लो डिक्रीजेस बाय 64 तो बची कितनी 36% और दूसरे पार्ट में डिक्रीजेस टू 64% ही बची, सब कुछ सेम है बस यहाँ पर 36 की जगह 64 आप सॉल्व कर लेना, सेकंड पार्ट आपका है ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सुन ले दो भाई, तो पहले वाले पार्ट में 64% से कम हुई थी 36% बची है, दूसरे वाले पार्ट में डिक्रीजेस 264 मतलब 64% ही बची है, तो यहाँ पर बस 36 की जगह 64 बना ठीक है। चलो हाँ पार्ट थर्ड में देखो, हाँ बोलो आपने जीएस माइनस जीएस अपॉन जीएस निकाले तो वो फॉर्मूले से निकला किससे, वो जीएस माइनस जीएस अपॉन जीएस निकाले तो परसेंट निकाला मुझे परसेंटेज का सवाल है। हां तो उससे क्या आएगा सर, मतलब उससे भी कर सकते हैं हां वही आएगा ना उससे जीएच माइनस जीएस जीएस तो सर इसमें 2 लेगी या बाय लेगी बची हो बची हुई बची लेगी ये फॉर्मूला यही से तो मैंने बोला कोई सा भी फॉर्मूला हो ये जो जी एच होता है ना ये बची हुई ग्रेविटी रिमेनिंग परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पर जो होता है परसेंटेज डिक्रीज होता है, मेरे हिसाब से दोनों तरह से मत करो एक ही चीज करो आप, तो नॉर्मल निकाल लो कितनी बची है और परसेंटेज लिख दो है ना। चलो अब इसमें एक मैथमेटिकल पॉइंट देखना, इसको देखना बायनोमियल एक्सपेंशन और इससे बन सकता है बच्चों की बायनोमियल एक्सपेंशन का प्रूफ तो हम लोग नहीं करते हैं बट इसमें मैथमेटिकल पॉइंट क्या देखना। कभी कभी जैसे हम लोगों ने बोला अभी हम लोगों ने बोला ये हमारी अर्थ है ये इसकी रेडियस है सरफेस पे ग्रेविटी जी एस है, हमने बोला ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम हो रही, जब एच हाइट पे जाएंगे तो यहाँ जो बची वो कितनी है जी एच। देखो जैसे कि एरर एरर हम लोग पढ़े थे वहां पर पावर आ जाती है, वैसे ही कुछ पॉइंट है बायनोमियल का पॉइंट डायरेक्ट ध्यान रखना। देखो दो प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, जैसे अगर आप लोग एच हाइट पर जाते हो तो दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जब हम लोग एच हाइट पर जाएंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन में तो आप देखिएगा कि कितने परसेंट का फर्क दिखा रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 64% कम हुआ है 64% मतलब एक ह्यूज अमाउंट है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या हुआ 64% बची मतलब कितने कम हो गए 36% कम होना भी एक ह्यूज अमाउंट है, बट जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है 2% मतलब कितनी हाइट पे जाए कि सिर्फ 2% ही कम हो मतलब बचे कितना 90, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब 5% से कम चेंज हो नहीं नेग्लिजिबल नहीं है, इफ द डिक्रीज इन ग्रेविटी अगर ग्रेविटी में डिक्रीज लेस देन 5% है
लेस देन 5%। अगर 5% से कम है तो फिर वहां पर वो फॉर्मूला लगाना उचित नहीं है। क्या उचित नहीं, देखो तो गलत क्या होगा, सुनो। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे कितनी हाइट पर जाने पर 2% से क्या हो गई, कम हो गई, तो आप बोलोगे बची कितनी, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बची हुई का, एच हाइट पे कितनी बची, अपॉन सरफेस पे कितनी बची। तो देखो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो क्या करेगा, वो यही करेगा, वो बोलेगा 2% से कम हो गई मतलब 98 बची, तो पिछले वाले फॉर्मूले में यहाँ पर जीएच की जगह वो कितना कर देगा, 98% ऑफ जीएस अपॉन कितना करेगा, जीएस इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एन स्क्वायर। वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, परसेंटेज आएगा नहीं, रूट आएगा नहीं, यहाँ से एच की वैल्यू बहुत डिफिकल्टी से मिलेगी भी तो बहुत डिफिकल्टी से, और वो आपको ऑप्शन में मिलेगी भी नहीं शायद। 98% का रूट कैसे, 98 का रूट कैसे लोगे, तो फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करके डेसिमल में आंसर आएगा। हाँ 98 का 49 हाँ इनटू वो फिर 97 हो गया, तो उसका नहीं आएगा 4% 96 हो गया। तो अगर चेंज 5% से कम हो तो एक फॉर्मूला अपने पास और है, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, ये हम जो निकालते हैं किसी भी एच हाइट पर कितनी बची, इसी को जब मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, वो ये है परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट दैट इज इक्वल टू 2h πr। ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्मूला समझ लीजिए, बट एप्लीकेबल कब है, बस व्हेन लेस देन 5% हो जाएगा। जब ग्रेविटी में जो कमी है वो 5%, अब 5 मतलब ऐसे कोई कसम नहीं कि 5 ही खा लो, अब कभी 6% ही आ गया तो पहले इसको लगा के देख लेना, तो इससे जल्दी आंसर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन दो ही प्रकार के होंगे, अब आप बोलो सर 9 आ गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं होंगे, या तो ज्यादा होंगे, ज्यादा तो फिर वो 10% से ऊपर ही होंगे, 20% डिक्रीज हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, तो अगर 10% 5% से बहुत ज्यादा है तो मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला। पर जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही होगा कि 1% की कमी आ गई, कितनी हाइट पर जाने पर 0.5% की कमी आएगी, 2% की कमी आएगी, तो जैसे आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि 5% से कम है, तो 5% से कम है तो इस फॉर्मूले को इग्नोर करना, इससे भी आंसर आएगा, मुश्किल से आएगा, हो सकता है मैच ना करे, डायरेक्टली कर दो। तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच बाय आर, बोलो ना सर। अगर बड़ा चेंज ला रहे थे लास्ट में था 64%, तो उसमें इससे गलत है, गलत आ जाएगा, इससे गलत, सिर्फ 5% से कम के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स में एप्रोक्सीमेशन होता है, तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, एग्जैक्ट तो यही है बट ये मैथमेटिकली इसको एप्रोक्सीमेट करके बनाया हुआ है। अब इसमें देखो हमारा क्वेश्चन क्या, लास्ट वाला डिग्री, तो कितनी हाइट पर जाने पर ग्रेविटी 2% से क्या होगी, कम होगी, अगर 2% से कम है तो आपने क्या बोला, 98% ये तो 2% से कम है तो डायरेक्टली यूज कर लो, बस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी इज इक्वल टू 2h πr। ये क्या है, ये वही कितने परसेंट से कम हुई, कितने परसेंट से कम हुई, तो डायरेक्ट कितना है, ये 2% इज इक्वल टू 2h πr, परसेंटेज हटाएंगे तो इज इक्वल टू 2h πr, क्या बोलते हो, 2 से 2 क्या है, कैंसिल है, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, r/100, और r कितना है 6400/100, 2 0 कट जाएंगे, 64 किलोमीटर। एक मिनट, अब इसको शब्दों में बोलते हैं, इसको शब्दों में बोलो, तो ये वो हाइट है, कौन सी हाइट है, ये वो हाइट है जहां पे परसेंट का 2% से कम, जहां ग्रेविटी 2% से कम है, डिक्रीजेस बाय 2%, तो 64 किलोमीटर, ये भी कोई कम थोड़ी, 64 किलोमीटर ऊपर जाओगे अगर आप एरोप्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन की हाइट 10 किलोमीटर के लगभग रहती, 10-12 किलोमीटर के लगभग, तो अगर 64 किलोमीटर ऊंचाई पर आप जाओगे तब जो ग्रेविटी है वो 2% से कम होगी। एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को देख लीजिए, दिमाग में अच्छे छोटी छोटी बात जो बच्चे मुझे लगता है पॉइंट करने की वो कौन सी है, तो सबसे पहले दो पॉइंट करने की बात तो वही है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बाय और टू में उलझना नहीं है,
बाय ऑटोमोबाइल रचना नहीं, बाय बोला, बाय बोला तो 64% डिक्रीज इज बाय 64 है। तो हमारे फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में जी एच बहुत हिंदी में लिखना, जी एच जो है वो बची हुई होती, तो बाय 64 मतलब बची कितनी 36%, इसलिए यहाँ पर कितना लिया 36। सेकेंड वाले में डिक्रीजेस 264 है, मतलब बची हुई 64 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे 64। बट जैसे ही ये फॉर्मूला लिखोगे वहां पर मार्क क्या कर दोगे, छोटी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। तो थर्ड क्या है, अगर छोटी वैल्यू है तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी 2H पाया, तो 2% 3% 4% जो भी डिक्रीज होगा डायरेक्ट यहाँ पर उसी की वैल्यू रख देना। तो यहाँ पर मार के वो एक और क्या किया कि इस फॉर्मूले में ये क्या है, कितने परसेंट कम हो गई, तो जो भी दिया होगा ऊपर सारे क्वेश्चन देख लेना, 1% 2% 0.5% ऐसे ये 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसको देख लो, तो ये हमारा वेरिएशन था किसमें, हाइट में। अब हाइट हो गया, शेप हो गया, तीसरा होता है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। अब देखो डेप्थ के कारण वेरिएशन में डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन से या तो बताया जाए ये हमारे अर्थ का सेंटर है। अभी हम लोगों ने क्या बात बोली, अभी हम लोगों ने क्या बात बोली कि यहां से एच ऊंचाई पर जाने में कम हो रही, जैसा कि मैंने कल कहा था। फिर दूसरा सवाल बन गया, किसी ने बोला क्या माइनिंग में चले गए, माइनिंग में जाने पर नॉर्मली आप लोगों के दिमाग में आता है कि पढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इसका हालांकि कारण समझाने के लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा। करो डेरिवेशन, देखो सर पिंक कलर लो, ग्रीन की जगह क्या बात है, पिंक कलर पसंद है आजकल, किसकी संगत में हो, देखो अब सुनो, देखो ये कर लिया आपने, देखो ऐसा कर दिया, तो हाइट पे ज्यादा आसान था, प्लेन लेके उड़ गए। अब उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, घुस जाते, कुआं खोद दिया, और कुआं बहुत गहरा खोद दिया 200-400 किलोमीटर का अंदर का, इतना तो नहीं खोद सकता लड़की, बट ऐसा मान लो क्योंकि डेप्थ में दिक्कत है, फिर वो हाइपोथेसिस वो आ जाएगा क्या बोलते हैं वो रॉक वॉक और क्रस्ट कोर वाली कहानी आ जाएगी, उतना डीप में नहीं बैठा, 2-3 किलोमीटर तो खोद सकते हैं, तो आप सोचो कि 2-3 किलोमीटर आप लोग चले गए, तो डेप्थ में जाने पर क्या वेरिएशन होगा, ध्यान से देखना। अब देखो पहले हम लोग बच्चों एच ऊंचाई पे जा रहे थे, एच इज एच फॉर द हाइट, अब हम कहां जा रहे हैं, डी डेप्थ पे, तो डी जो है ये डेप्थ है, ये डी डेप्थ कहां से नापी है, सरफेस से, दिस इज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से आपने कुआ खोद दिया, बोरिंग खोद दिया और डी डेप्थ तक आप लोग चले गए। इस पॉइंट पे जाके बच्चों ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जाके ग्रेविटी नापनी है, तो यहां पर अब मैंने लिखी जी डी और ये हमारा था जी एस, इस पर विचार कर, तो ये सरफेस पे ग्रेविटी थी, पहले इसके पहले जी एच था, तो ऊपर जा रहे थे तो क्या क्या कितनी हाइट पर जाके कितनी ग्रेविटी बची, अब यहाँ जी डी हो गया, तो जी डी क्या हो गया, बची हुई, बची बोलना जरूरी, बची रिमेनिंग, रिमेनिंग ग्रेविटी कहां पर, एट डेप्थ डी, इसके पहले जी एच था, जी एच थी रिमेनिंग ग्रेविटी एट हाइट एच, तो गड्ढा खोद के चेक करी, तो यहां पर जब चेक करी तो ग्रेविटी कितनी बची, जी डी बची, इसको देखना। अब इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी होगी, थोड़ा विचार करने वाली बात है, हालांकि मेरा सजेशन तो ये रहता है करना हो तो करना विचार, और एट द एंड तो फॉर्मूला तुम याद ही रखो। देखो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड डेप्थ, ये देखो, देखो
जब हम लोग हाइट पे जाके चेक करते हैं मान लो इस ए पॉइंट पर, और जब एक बार हम लोग डेप्थ पे जाके चेक करते हैं मान लो बी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी होगी वो पूरे अर्थ के मास के कारण होगी। देखो यहां अगर एक गोला बना दो तो ऐसा बनेगा, और यहां अगर गोला बना दोगे तो यहां अगर गोला बना दोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा इस तरह से, देखो ऐसा इस तरह से। अब ध्यान सुनना, थोड़ा गहरा विचार करना, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटी होती है वो उसके भीतर कितना अर्थ आ रहा है, उस अर्थ का कितना मास आ रहा है उसके कारण। हमने क्या बोला, जब एच हाइट पर जा रहे हैं तो यहां पर अगर गोला बनाएंगे तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी जो है वो पूरे अर्थ के मास के कारण होगी, बट जब यहां पर ग्रेविटी निकालेंगे तो वो सिर्फ अर्थ के इतने इतने मास के कारण होगी। कारण क्योंकि ग्रेविटेशनल ग्रेविटी तो सेंटर की तरफ होती है, अंदर की तरफ, हाँ। तो वो सिर्फ उतने मास के कारण है जो उसके अंदर है, मतलब इस पॉइंट पे ग्रेविटी सिर्फ इतने इतने मास के कारण है। क्या ये मास अर्थ के मास से ज्यादा होगा? नहीं। ये भी तो एक कारण रहेगा कि जब आप लोग डेप्थ में जाते हो तो ठीक है आपके बुद्धि से ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, बट जैसे जैसे आप लोग डेप्थ में जा रहे हो ये अर्थ का मास भी तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेडियस भी कम हो रही है बट मास भी तो क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। इसीलिए हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ग्रेविटी डायरेक्ट बढ़नी चाहिए, इस पर विचार कर लो। तो व्हाट इज द डिफरेंस, कि जब हाइट पे जाते हैं तो कितनी भी हाइट पे जाओ, यहाँ चले जाओ बोले, यहाँ चले जाओ बोले, कितनी भी हाइट पर जाओगे बट उस पूरी हाइट पर जो ग्रेविटी होगी वो पूरे अर्थ के मास के कारण, बट जो डेप्थ में जाते हैं वो सिर्फ छोटी जो अंदर अर्थ बचती है उसके कारण होता है। तो डेरिवेशन में इसका मास हम लोगों को निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालेंगे, देखो इसको अच्छे से देखना, इसको अच्छे से देखने के दो फायदे। सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, सेम फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में भी आएगा, मतलब यहां जो मैं बताने वाला हूं वो दो बार ट्वेल्थ में रिपीट होगा और इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, या तो यहाँ आ जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाए या मैग्नेटिज्म में आ जाए। तो ये जो फॉर्मूला और हम लोग ग्राफ बना रहे हैं वो मुझे लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ अपने पूरे फिजिक्स के। आप नीट को मिलाओगे हर एक साल छोड़ के आ जाता है, कभी मैग्नेटिज्म से कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कभी यहाँ पर, तो चूंकि कॉमन चलती पूरी चीज है तो एक बार उसको अच्छे से देख लो। डेरिवेशन देखना हो तो देखना, स्कूल में लिख देना कभी आ जाए तो, बाकी तो अपने को फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ना। देखो डेरिवेशन क्या है, हमने बोला इस पॉइंट पर ग्रेविटी जो है वो पूरे अर्थ के कारण नहीं है, इस पॉइंट पर हमने बोला कि ग्रेविटी इतने इतने अर्थ के कारण है। अच्छा इतने इतने अर्थ की रेडियस सुनो, इतने इतने अर्थ की रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूं, फर्क फर्क समझना, ये जो है ये क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर जो है वो पूरी अर्थ की रेडियस है, बट जो स्मॉल आर, ध्यान से, जो स्मॉल आर है वो सिर्फ उतनी अर्थ की रेडियस है जितने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी ले रहे हैं। इसको देखो सिंबॉलिक देख लो, तीनों सिंबल में फर्क है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और डी, इसको देख लो अच्छे से विचार कर लो। तो डी क्या है, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, स्मॉल आर क्या है, छोटी वाली आर की रेडियस, और कैपिटल आर क्या, बड़ी वाली आर की रेडियस। तो बस जो हम लोग कैपिटल एम लेते हैं तो अगर इस बड़ी वाली अर्थ का मास कैपिटल एम है, इस छोटी वाली अर्थ का मास अगर एम डैश है, M-dash मान लो, obviously जो M-dash होगा वो क्या होगा, कभी होगा, कल मैंने बताया था, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटी, किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी लिखनी है तो क्या होता है, ये था कैपिटल जी ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, जितने मास के कारण ग्रेविटी है वो अपॉन रेडियस ऑफ, बस इतनी सी बात पे विचार कर लो कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो अंदर कितना मास है उसके कारण है और इस पॉइंट की रेडियस कितनी है उसके कारण। तो बच्चों अगर डी डेप्थ पे मैं ग्रेविटी लिखूंगा, ध्यान से देखना, अगर डी डेप्थ पर ग्रेविटी लिखूंगा मैं जी एम डैश, बचा कर लिया, तो वो होगी कैपिटल जी एम डैश। बस फर्क क्या, यहाँ पर टोटल मास नहीं आएगा, रीजन क्योंकि इस पॉइंट पर पूरी अर्थ के कारण नहीं है, सिर्फ कितना मास कवर होगा इतना ही, तो वो होगा एम डैश और रेडियस भी पूरी नहीं आएगी, वो क्या होगा स्मॉल आर। इसको देखो, अब सवाल ये बनता है, इसको इक्वेशन वन लिख दो, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, M dash। अब वो M dash की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक assumption है, एक assumption ये है कि assuming the density of earth to be constant, वैसे तो नहीं होती है, अगर ज्योग्राफी में घुस जाओगे तो
तो अर्थ की डेंसिटी तो हर जगह अलग होती है। शुरू के 2 किलोमीटर पे आप पढ़ते हैं ना क्या आता है, तो ऐसे हर जगह डेंसिटी वैसे तो डिफरेंट है, बट चूंकि अर्थ के बारे में फिर हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ की डेंसिटी को कॉन्स्टेंट माने। अगर अर्थ की डेंसिटी कॉन्स्टेंट है इसका मतलब वो बोलते हैं कि जितनी डेंसिटी इस बड़ी वाली अर्थ की होगी उतनी ही डेंसिटी छोटी वाली अर्थ। थोड़ा याद रखना 5% याद रख लो, क्या क्या अजम्पशन है कि डेंसिटी को कॉन्स्टेंट मानना है, मतलब डेंसिटी किसकी, बड़ी अर्थ की वही होगी जो किसकी होगी, स्मॉल अर्थ का सिंपल से मतलब है इतना इतना मास जिसके कारण रहता है। तो बस डेंसिटी कैसे लिखते हैं, सिंपल, तो जिसकी भी डेंसिटी लिखना है उसका मास लिख दो और उसका क्या लिख दो, वॉल्यूम लिख दो, क्या बोलते हो। तो बड़ी वाली अर्थ की डेंसिटी देखना, ध्यान से बच्चों ध्यान से, बड़ी वाली अर्थ की डेंसिटी लिखूंगा तो मास किसका आएगा, बड़े वाले का, तो कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी किसका आएगा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई। अब बड़ी वाली अर्थ की रेडियस क्या आएगी, बड़ी वाली अर्थ, ये क्या कर दिया डेंसिटी, बड़ी वाली अर्थ की क्या लिखते हैं डेंसिटी लिखती है। हमने क्या बोला, अजम्पशन किया जो बड़ी अर्थ की वही किसकी होगी, छोटी की, तो छोटी अर्थ की क्या होगी, छोटी वाली अर्थ की डेंसिटी तो छोटी वाली अर्थ का मास m डैश मास अपॉन वॉल्यूम, और छोटी वाली अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 चार्ज डेंसिटी बात करें बट होगा वही, तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाए, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m डैश की, m डैश इधर देखना, m डैश की वैल्यू चाहिए, तो m डैश की वैल्यू कैसी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा कैपिटल m स्मॉल r होल अपॉन कैपिटल r क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ m डैश। शब्दों में बोलेंगे तो m डैश वो मास है जिसके कारण क्या है ग्रेविटी, कहां पर है तो गड्ढा खोद के d डैश पे, तो वो m डैश वो मास है जिसके कारण d डैश पे ग्रेविटी, बस कुछ नहीं करना है, इस m डैश की वैल्यू को यहां पटक रहे देखना, तो इस m डैश की वैल्यू को उठा के यहां से यहां पटक दो, तो इस m डैश की वैल्यू को जब यहां से यहां उठा के पटक देंगे अगला पेज ले लें, तो d डैश पे कितनी ग्रेविटी थी, कैपिटल g m डैश अपॉन स्मॉल r, एक बार देख लो, कैपिटल g m डैश r को ध्यान से डील करना अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सिर्फ इतने इतने अर्थ के कारण तो रेडियस ही उतनी इतनी लेंगे बस, तो यहाँ वैल्यू रख लो देखना, g अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इनटू m डैश, m डैश कितना था m स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब, इसको देखो ऑनलाइन वाले बच्चों देख लो, ये m डैश की वैल्यू को यहाँ पटक दिया, ऑनलाइन वालों देख लो, ये m डैश की वैल्यू को यहाँ पटक दिया, तो g अपॉन r स्क्वायर m डैश की जगह रख दिया m r क्यूब r स्क्वायर, देख लो, तो यहाँ से r स्क्वायर से r क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d डेप्थ पे ग्रेविटी कैपिटल g कैपिटल m स्मॉल r देख लो, दिस इज द कांसेप्ट। अब यहाँ पर सिंबॉलिक सिंबल्स की मीनिंग, कैपिटल g तो कांस्टेंट है, सिंबल की मीनिंग देखना, कैपिटल m किसका मास था, बड़े r पूरी अर्थ का मास था, है ना, तो सिंबल देख लेना, दिस कैपिटल m इज द मास ऑफ कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट अर्थ, दिस कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कंप्लीट अर्थ, और मेन ये स्मॉलर, अब स्मॉलर अर्थ बोल लो या स्मॉलर अर्थ बोल लो, स्मॉलर अर्थ की रेडियस कहां से, फ्रॉम द सेंटर। अब बुक में आप सर्च करोगे थोड़ा दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को मॉडिफाई करके उन्होंने लिखा है, मैं उस फॉर्मूले को सजेस्ट नहीं करता, मेरे हिसाब से वो फर्जी है, यही यूज होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग देख लो, जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर और इसमें रिलेशन क्या कर रही है, यहां से सरफेस से कितने डेप्थ पे खोदा, डी डेप्थ पे, इसकी सेंटर से दूरी कितनी, स्मॉल आर, और ये जो पूरा है ये क्या है, कैपिटल आर, सिंपल देख लो, दिस कैपिटल आर इज द रेडियस, this d is the depth from the surface,
सरफेस से कितना गड्ढा खोदा और ये स्मॉल आर क्या है रेडियस फ्रॉम सेंटर। तो अगर मैं देखूं बेसिक बात तो ये आर की वैल्यू किसके बराबर होगी स्मॉलर प्लस बी स्मॉल आर प्लस बी बताओ स्मॉल आर प्लस ये कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी किसके बराबर होगी ये कैपिटल आर की वैल्यू इन दोनों के टर्म्स में किसके बराबर होगी ध्यान का है ध्यान का है क्यों बेटा रोची यही हो ध्यान का है इस कैपिटल आर की वैल्यू फोटो से किसके बराबर होगी जरूरत पड़ने पे आप चाहोगे तो यहाँ से वैल्यू भी रख दो बट रखना मत बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे। इसको एक बार डेरिवेशन देख लो ऑनलाइन वाले बच्चों देख लो भाई एक बार सभी लोग तो आएगी ना उसको कुछ नहीं कर सकते हाँ बेटा तुम लोग साथ साथ नोट्स बनाना ऑनलाइन वाले नोट्स नहीं बनाओगे तो किसी दूसरी दुनिया में चले जाओगे। बना रहे हो पक्का हेलो हाँ सब लोग नोट्स भेजो ये बात तो सही बोल नहीं बोल गया मैं भी याद आया मुझे सभी लोग भाई सुनो ये डेरिवेशन समझ में आ गया सभी को ऑनलाइन वाले बच्चों देख लो दस ही बच्चे से अबे बाकी लोग सोच रहे सर वीडियो भेजेंगे टॉप करेंगे अच्छा तीसरा ऑप्शन पे विचार कर दस इधर कितने हैं छह दस ग्यारह पंद्रह उन्नीस उन्तीस बाप रे बाप पचास साठ बच्चे नहीं हुए वहां से बहुत सुंदर लिख के रख लो और ये जो बचे हुए बच्चे हैं वो नौ में से भी है टॉप हां वो भी सही बात और उसमें से एक और से सात लोग हैं और स्टार ऑफ द मंथ का रिजल्ट देखना फिर देखना कि कौन कौन लोग ऊपर है किन दस लोग ऑनलाइन बैठे सत्रह अठारह बैठे हैं फिर स्टार वालों का रिजल्ट देखना इसमें से अब जो बचे लास्ट वाले वीडियो वाले हैं वो कहाँ जा रहे थे दो तीन ऐसे होंगे जो ईमानदारी से हाँ इसमें से डालो कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ सिंसियरिटी बता रहा हूँ कि आदमी की सिंसियरिटी कैसी रहती मतलब ऐसा चलो देखो इसको रख दे यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कितना ओ भाई देखो इधर अब किसको याद करना है सबसे पहले इसको याद कर लो घोट लो पी लो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब दिस इज द ग्रेविटी शब्दों में डी डेप्थ पर जाने पर यहाँ कितनी ग्रेविटी बचेगी दिस इज द बची दिस इज द बची हुई बची हुई ग्रेविटी कहां पर डी इसको देखना हाँ बोलो सुनो तो इसको आप लोग याद कर लो बट यहाँ पर हर चीज को बिल्कुल शब्दों में याद करना कि स्मॉल आर क्या है स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जब हम लोग रिलेशन बनाए तो आर प्लस डी इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले को बुक में कैसे मॉडिफाई करते इसी को देखना यहाँ से स्मॉल आर प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस डी अगर स्मॉल आर की जगह यहाँ रख दी जाए देखने बच्चों अगले पेज पे तो ये बन जाएगा डी डेप्थ पे बची हुई ग्रेविटी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर था स्मॉल आर माइनस डी इसको देख लो कहाँ से लिखा यहाँ से स्मॉल आर को लिख दिया यहाँ से कितना कैपिटल आर माइनस डी और देख लो और क्या खेल खेलना है ध्यान से और देखना ध्यान से बुक वालों की उंगली देखो यहाँ से आर कॉमन निकाल लो अगर यहाँ से आर कॉमन निकाल लोगे यहाँ से तो ये बचेगा आर
मैं इसमें कॉमन कैसे निकालता हूं, यहां तो आर है वन बट यहां आर नहीं है, यहां आर है तो वन बचा बट यहां आर नहीं है तो डी माइनस। इसको देख लो, उससे क्या फायदा होगा कि ये तो कट जाएगा आर और यहां बचेगा आर स्क्वायर, तो जो डी डेप्थ पे बची हुई ग्रेविटी वो बन जाएगी जी एम अपॉन आर। देखो ये चीज क्या बन गई, ये चीज सरफेस पे ग्रेविटी हम लोग कितने लिखते हैं कैपिटल जी एम, सरफेस पे लिखेंगे तो कितनी आएगी अपॉन आर स्क्वायर। विचार कर लो, इसको अलग से रफ में भी बना देता हूं, कल बताया था वैसे मैंने ये, इसको भी देख लो। तो जब सरफेस पर ग्रेविटी लिखेंगे तो क्या होती, सरफेस के लिए डिस्टेंस कितनी लेते हैं कैपिटल आर, तो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या बन जाती है सरफेस पर ग्रेविटी। तो उसी फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई कर दिया, देखो अब ध्यान से लास्ट पॉइंट देखना। तो जीडी क्या था, डेप्थ पे कितनी ग्रेविटी है, इसको मॉडिफाई करके जीएम अपॉन आर स्क्वायर बना ली, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया, सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू सरफेस माइनस डी बाय आर। इसको देख लो, तो बुक में जो लिखते हैं वो ये फॉर्मूला लिखते हैं, बट ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये तो यही मेन फॉर्मूला ये है, इसी से क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही यूज आएगा, बट बुक में इसका कोई जिक्र नहीं, वो लोग इसी से उसको लिखते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप उसको याद रखो, वो वाले को मेन फॉर्मूला वो है, इसी को जब मॉडिफाई कर दिया तो ये बन गया। तो शब्दों में ये हो गया, इट इज द रिमेनिंग ग्रेविटी एट डेप्थ डी दैट इज द ग्रेविटी एट द सरफेस 1 माइनस डी बाय आर, और शब्दों में डी इज द डेप्थ फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम द सरफेस। एक बार इसको देखो, इसको देख लो, तो डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अब जो हमारे डायरेक्ट आउटकम्स और डायरेक्ट क्वेश्चन में रिजल्ट जो यूज आएंगे, तो डेरिवेशन हो गया, जो डायरेक्ट रिजल्ट यूज आएंगे वो ये है, एक तो ये यूज कर लेंगे, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, और एक ये यूज कर लेंगे, इसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या चीजें काम की है वो देखना, फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग डिराइव नहीं करना चाहते उन लोगों को क्या क्या चीजें काम की आना चाहिए और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखना। बोलो रुचि, पहला फॉर्मूला क्या है, डी डेप्थ पे ग्रेविटी लिख दो फॉर्मूला, दो तीन बार उसको कोई दिमाग कुछ नहीं, कैसे पॉसिबल जानबूझ के तो नहीं करते तुम कि बच्चों को गुमराह कर दूं बोला लेकिन मुझे आता ही नहीं है, मुझे तो ये लगता कभी कभी कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। देखो दर, दिस इज द फॉर्मूला फर्स्ट, सुनना, दिस इज द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है ना। अब देखो ये तो सवाल हो गया कि आपने बोला कि हाइट पे जाने पे कम हो रही, बट अभी तो डेरिवेशन किया ना, अभी भी कहां पता चला कि डेप्थ पे जाने पे कम हो रही कि बढ़ी, इस फॉर्मूले से ये तो निकालो कि कम हो रही या बढ़ रही कैसे पता चलेगा, स्मॉल आर क्या है फॉर्मूले में, यहां से ना। अब ध्यान से देखना व्हाट इज द कंक्लूजन, हमने बोला कि फॉर्मूले में देखो कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी था, हमारे हाथ में सिर्फ स्मॉल आर, हमारे हाथ में गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदना मतलब हमारे हाथ में कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मतलब स्मॉल आर हमारे हाथ में। तो अगर डेप्थ पर देखें, सो इफ रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आर कॉन्स्टेंट देन द ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसको देखो, अभी आर क्या है, तो मैं अर्थ लेता हूं, मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर गड्ढे लेता हूं, जैसे अलग अलग मशीन है,
किसी ने बोरिंग खुदवा लिया 200 फीट, तो 200 फीट खुदवा के ए वाले पॉइंट पे आ गया। किसी ने और बोरिंग खुदवा लिया 300 फीट, वो आ गया बी वाले पॉइंट पे। किसी ने और बोरिंग खुदवा लिया 500 फीट, वो आ गया सी वाले पॉइंट पे। क्या बोलते हो बच्चों, मेन फॉर्मूला था वही। तो देखो, जिसने ए वाला 200 फीट खुदवाया उसके लिए जो स्मॉल आर है वो ज्यादा है, ज्यादा है। जिसने बी वाला खुदवाया उसके लिए कम है, और जिसने सी वाला खुदवाया। ठंडे दिमाग से विचार करो, समझ रहे हो? तो डी डेफ पे ग्रेविटी किसके प्रोपोर्शनल है? स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जिसके लिए स्मॉल आर ज्यादा होगा उसके लिए ग्रेविटी भी। तो ऑब्वियसली जो ए वाला पॉइंट है ए वाले का ज्यादा है, बी वाले का कम है, सी वाले का और कम है। मतलब जो ग्रेविटी ए पे ज्यादा है, फिर बी पे ज्यादा है, और फिर सी पे ज्यादा है। इसको देखो, तो ए वाला पॉइंट ज्यादा डेप्थ पे कि कम डेप्थ पे? कम विचार करो, ए वाला कम डेप्थ पे, तो यहाँ ग्रेविटी ज्यादा है। बी वाला क्या है? ज्यादा डेप्थ पे है, तो यहाँ ग्रेविटी कम है, थोड़ी कम है। सी वाला सबसे ज्यादा डेप्थ पे, तो यहाँ ग्रेविटी और कम। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? मिला क्या कि ऑन मूविंग टू द डेप्थ, मूविंग टू द डेप्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस। ए पर ज्यादा, बी पर कम, और सी पर सबसे कम। और तो डेप्थ पे जाने पर हां इनवर्स होना चाहिए। अरे सेंटर से दूरी भाई, वही तो बोल रहे हैं। इसको विचार करो, इसको शांति से देखो सब लोग, एक बार एक मिनट का इस पर मंथन करो, विचार करो। मतलब रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेप्थ के साथ इनवर्स। हाँ, ये रेडियस सेंटर से ना, तो जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे, जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे आर कम होते जाएगा ना, तो आर कम होगा आपका तो ग्रेविटी कम होगी। जितना कम डेप्थ में जाओगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी। एक बार इस पे सोचो, एक मिनट इस पे विचार करो। वन माइनस डी बाय आर वाला फर्जी फॉर्मूला है, सिर्फ देख लो क्योंकि बुक में लिखा है। मेरे हिसाब से ये मेन बना लेंगे जरूरत पड़ेगा, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनेंगे। कितना बोरिंग खोदा वो है, और स्मॉल आर सेंटर से कितनी दूरी को देख लो। तो ए वाले में चूंकि सबसे कम गड्ढा खोदा है, तो ए वाले के लिए आर ज्यादा है, तो आर ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा है। समझ गए? फिर क्वेश्चन में अपन परसेंटेज में पूछ लेंगे। इसको देख लो, मान लिया कि वो गड्ढा पूरा सेक्शन तक ग्रेविटी भी बिल्कुल। हां, एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं। फिर अब किसी ने बोला, एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्योंकि सेंटर तक पहुंच नहीं सकते। किसी ने बोल दिया हाइपोथेटिकल, इफ वी डिग अ बिग होल, बिग होल और कहां पर पहुंच गए? नियर नहीं, एंड वी रीच द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर ही पहुंच गए तो फोटो कैसा बन जाएगा? ये अर्थ। अब गड्ढा खोद के सेंटर तक पहुंच गए, तो सेंटर तक पहुंच जाएंगे। देखो डी ए डी है, ऊपर से क्या होता है? डी गड्ढा खोदते गए, खोदते 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 कहां तक पहुंच गए? सेंटर तक पहुंच गए। तो अगर सेंटर तक ही पहुंच गए तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। स्मॉल आर जीरो क्यों? क्योंकि वो गड्ढे भी सेंटर से दूर है, तो सेंटर पे पहुंच गए, तो स्मॉल आर को जीरो रख दो यहां पर। तो यहाँ स्मॉल आर को जीरो रख दोगे, सो द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। ऊपर भी तो जीरो है क्योंकि मास वहां पे बहुत कम है, तो नहीं कम होगी। जीरो तो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं कुछ तो मास आएगा, उसके कारण हल्की सी ग्रेविटी तो रहेगी। हां, इसका मतलब अगर गड्ढा खोद दे पूरा सेंटर तक और घूम जाए तो लगेगी नहीं क्योंकि ग्रेविटी तो जीरो है। क्या लगेगी? नहीं एक आदमी moving from the point A to B, एक टनल के अंदर आदमी क्या कर रहा है? A से B में जा रहा है। अब इससे आपको conclusion समझ में आ जाएगा। A to B जा रहा है,
तो वो पूछेगा व्हाट इज द वेरिएशन इन द ग्रेविटी, ए टू बी, और बीच में सेंटर आएगा, तो बीच में सेंटर सी आएगा, तो बोलेगा ए टू बी जाने में क्या ग्रेविटी में वेरिएशन होगा, तो पहले तो ए टू सी जाएगा ताकि हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए, तो पहले तो ए टू सी जाएगा, तो पहले ए टू सी में जाएगा मतलब डेप्थ में जा रहा है, कम होते होते सेंटर पे जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू सी मूविंग फ्रॉम ए टू सी आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एक बार आर ज्यादा होगा, ए टू सी पे जाने पे सेंटर से दूरी कम हो रही, तो आर कम हो रहा है तो ग्रेविटी भी कम हो रहा है, एक ही बात बोलो कैसे, तो ए टू सी का वेरिएशन ऐसा है, फिर सेंटर के बाद सी टू बी, अब सेंटर के बाद, सेंटर तो जीरो हो गई, सेंटर के बाद ये आदमी कहाँ जाएगा, सी टू बी जाएगी, तो सी टू बी जाने में आर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, विचार कर लो, सब ऑनलाइन वाले विचार कर लो, आर क्या थी सेंटर से दूरी, पहले सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो आर कम होगा, सेंटर पे आर जीरो हो जाएगा, बट सी के बाद फिर आप क्या कर रहे हो, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हो, तो फिर आर क्या होगा, बढ़ेगा, तो सी टू बी के वेरिएशन में आर फिर बढ़ेगा, तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी, सो व्हाट इज द रिजल्ट, फर्स्ट ग्रेविटी डिक्रीजेस, देन बिकम्स जीरो, एंड अगेन व्हाट, इंक्रीजेस, तो यहाँ कितनी थी, यहाँ पॉइंट या फिर नौ सात, ऐसे करते करते फिर यहाँ बढ़ते बढ़ते एक दो तीन चार पांच, फिर यहाँ की पॉइंट, ये वेरिएशन होगा, इससे आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, 9.8 से जीरो हो गई और जीरो से कितनी हो गई 9.8, ऊपर वाली ऐसे घूमते घूमते वो एक पॉइंट जाएगा, मतलब टाइम में वो बीच में फिर जाएगा, अटक जाएगा, वो भी बात कर लेंगे चैप्टर क्लास में, ऑसिलेशन ऐसे चम होगा, वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसका भी पॉइंट लिखा दूंगा, कभी भी रुकेगा नहीं, हाइपोथेटिकली अगर लॉस कंसिडर ना करें कभी नहीं रुकेगा, वो यहाँ से इधर इस तरह से वो ऑसिलेट कर, हालांकि ऐसे चम में है उसका टाइम पीरियड भी है, इसको देखो, इस पे वेरिएशन देख लो, ये हमारे डेप्थ की कहानी है, ये हमारा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, अब इस पे से क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन कैसा होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन भाई एट व्हाट डेप्थ, यहां ध्यान से देखना, क्वेश्चन में एक बस गड़बड़ कर दोगे आप आर ओ डी में, उसकी संभावना है, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द रिमेनिंग ग्रेविटी इज, व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द रिमेनिंग ग्रेविटी इज 25% of its value on the surface of Earth. At what depth the remaining gravity, at what depth from the surface of Earth, एक मिनट लिखना, देख लो, the remaining gravity is 25% of its value on the surface of Earth. ठीक है, तो conclusion क्या रहा, surface पे maximum, ऊपर जाएंगे तो भी कम होगी, नीचे जाएंगे तो भी कम होगी, तो उसने क्या बोला कि कितनी डेप्थ पे जाएंगी, कहां से, सरफेस, ताकि रिमेनिंग ग्रेविटी 25% कम हुई कि बची, बची हुई, वर्ड प्रॉब्लम है ना, रिमेनिंग, सो दैट द रिमेनिंग ग्रेविटी इज 25% किसका, सरफेस, सरफेस का, कितनी गहराई, कितना लंबा गड्ढा खोद दूं ताकि रिमेनिंग ग्रेविटी कितनी बचे, 25%, इसी में ऐसा बोलता ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 25%, अब देखो लोग गलती क्या करते, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग डी डी में उलझ जाते हैं, मैंने बोला डी तो निकालो ही मत, कभी स्मॉल आर ही निकालो, स्मॉल आर मिल गया मतलब डी मिल गया की बात है, तो फोटो, फोटो को भी दिमाग पे चल, फोटो से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो यहाँ पर है जीएस, फोटो से कॉन्सेप्ट बनते हैं, गड्ढा खोद के नीचे पहुंचते चले गए, वो पूछ रहा है कितनी डेप्थ पे जाएं, ये सेंटर है ताकि यहाँ जाके जो ग्रेविटी है जी डी वो सिर्फ कितनी बचे, तो फॉर्मूला जो याद करेंगे वो कौन सा करेंगे, 1-D बाय वर्गमूल कर देनी, हम कौन सा याद करेंगे, हो गया यार सभी को, और शब्दों में बोलेंगे दिस इज द ग्रेविटी बची हुई, और ऐसे ही वो वाले फॉर्मूले में ये यहाँ पर भी एच साइड पर बची हुई, अब बची हुई में बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, कितना भी बोल लो आदमी ये गलती कर देता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है,
इसलिए बची हुई पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि फॉर्मूला जो अपने पास है वो रिमेनिंग ग्रेविटी का एच हाइट पे कितनी बची और डी डेप्थ पे कितनी बची। तो क्वेश्चन में अगर कम है तो बची ले लो, तो 25% ही बची दिया रिमेनिंग, तो इसको कर दोगे 25% किसका, जीएस का बराबर जी। यहाँ गड़बड़ कर सकते हो आप, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा एक दिमाग किया, तो जीएस जीएस को कितने लिखेंगे, 9.8। अब 9.8 तो लिख दोगे, बट नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में ये भी ध्यान रखना, इसको देख लो उसी से लोगों ने बनाया था जीएम बाय आर स्क्वायर डेरिवेशन में भी जो बुक में लिखता है। तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जीएस को 9.8 तो लिखोगे इसे, वो तो वैल्यू है, बट अगर आप बात करो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में तो उसको लिख सकते, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटी क्या होती है, जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो सरफेस पे लिखेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, उससे क्या फायदा होगा, तो 25% मतलब 25/100 जीएस को जीएम अपॉन आर स्क्वायर, वो फॉर्मूले को ही जीएस लिख देते हैं। हां हां एक ही बात है ना, एक ही बात है, जीएम अपॉन आर क्यूब इनटू कितना स्मॉल आर। तो बस कहने का मतलब क्या है कि हमेशा ये वाली टर्म कट जाएगी, ये कट गई, ये कट गई और ये कट गई, तो इधर कितना बचेगा 1/4 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पे पहुंचोगे सेंटर से, तब जो ग्रेविटी है वो कितनी बचेगी, 25% बचेगी किसकी, जीएस की। बट क्वेश्चन में कहां से पूछा है, फ्रॉम द ये, तो ये जो वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई, 2400 आ गई, पूरी कितनी होती है आर, रिलेशन क्या है, आर प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल आर, स्मॉलर प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू आर, तो डी इज इक्वल टू, अरे यार चलना चाहिए, एक मिनट को ना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी तो हैं, इसको देख लो, तो ये सेंटर से मिल गई, तो ये पूरी कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस डी, क्वेश्चन में कहां से पूछी, डी फ्रॉम द सरफेस, ये हो जाएगा 6400 माइनस 4800, इतनी डेप्थ पे जाओगे तो ग्रेविटी आ पाएगा। अब इस पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको आगे यूज करना है दो चैप्टर में, उस पे जोर उस पे भी देंगे सर, एक ही बात है दोनों से, बट उस पे कम जोर इसलिए देंगे क्योंकि वो यूज ही नहीं होगा कभी आगे, तो काम का जो है वो ये है, हालांकि दोनों एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही से बना, इसको देख लो सभी लोग। सर अगर कॉम्बिनेशन से लगाए तो आंसर लॉजिक से ही आ जाता है, वो सॉल्व करते ही 25% बोला है, 75% डेप्थ आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 6400 से आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए नहीं वो इसे इसमें आ जाएगा 25% इसको देख लो, इसमें मिक्स करके भी दे सकते हैं, एक हाइट दे दी, फाइनल कंक्लूजन वही रहेगा अपना, इसको देखिए सभी ने, अगर वो हमें फॉर्मूले से बुक के फॉर्मूले से करेंगे तो भी आएगा GD is equal to GS 1 minus D by R, दोनों को याद रख लो जिससे जल्दी आ जाए, जिससे जल्दी आ जाए, तो यहाँ पर GD बचा हुआ कितना है 25% 1 minus D by R, तो यहाँ से भी वही GS से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, उसको ले जाओ तो D by R बराबर कितना 4 minus 4D, 1 minus 1/4, D by R कितना आ जाएगा 3/4, यहाँ से डायरेक्ट D मिल जाएगा 3/4 into R कितना 16.4 अब यहाँ से D जो है वो डायरेक्ट कहाँ से मिल गई सरफेस से मिल गई अगर सेंटर से पूछे
होगा ना और दूसरे पे ये वाला है एक ही बात दोनों सेंटर से हालांकि सेंटर से नहीं पूछ सकते सिर्फ पूछते हैं हमेशा बट वो इसलिए ताकि आपको वो याद रहे भविष्य के लिए इसको देख लो एक बार सभी लोग देखो मत देख लो इस कहानी को देख लो अब इसमें भी एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला मैथमेटिकल उसको देख लेते हैं डेरिवेशन को एक बार खुद कर लेना घर जाओगे खुद करने से ये हो जाएगा कि आगे भविष्य के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना देख लो कॉन्सेप्ट देख लो एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर सकते हैं सभी क्वेश्चन में ये चेंज होगा सर जो भी बोल रहा डिक्रीजेस बाय 36% डिक्रीजेस टू 36% डिक्रीजेस बाय 64 डिक्रीजेस टू 64 जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आप रख देना इसको देख लो अब इसी में मैंने क्या बताया जैसे हाइट में बताया था हाइट में एरर क्या बताया था उन दोनों को एक साथ लिखते हैं ना हाइट में क्या बोला था अगर कोई चेंज 5% उसको देखो अब दोनों को मिलाता हूँ अगर 5% अगर 5% से कम है तो यहाँ पर एरर कैसे लगाते हैं इसको देखना ये हो गया H हो गया D H अपना क्या है सरफेस से हाइट है D क्या है सरफेस से डेप्थ हमने बोला जब ये ग्रेविटी में चेंज बहुत कम होगा तो यहाँ पर कितना लिखा था परसेंटेज चेंज इन G बराबर H पर ये किसके लिए हाइट के लिए तो डेप्थ के लिए भी सेम बनता है तो परसेंटेज चेंज इन D बराबर 2D सिर्फ D बाय R थोड़ा चेंज तो है ना बराबर सी बनता वही 1 माइनस डी बाय आर को खोलोगे सब कर पूरा लोगे तो ये बन जाएगा इसको देख लो ये सिर्फ बाइनोमियल एक्सपोनेंट हां ये वाला बाइनोमियल से ये वाला तो परसेंटेज से बन जाएगा इस फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्टली याद करना बट वो सिर्फ कब दोनों को क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको तो देखिए ना एच वाले को डी वाले में देखो तो क्वेश्चन कैसा बनेगा इसको यूज कब करना है देखना लास्ट का फाइनल देख लो अगर वो ऐसा बोलते एट व्हाट डेप्थ द ग्रेविटी एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस द ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 2% इसको देख लो एक बार इसी में अगर ऐसा बोलता बाय दोनों को अच्छे से देख लो ताकि दोनों का कोई आपके मन में सवाल ना रहे कि ये का ये क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से जैसा पिछली बार कराया था बस इसमें एक ही ऐड कर दिया इसको एक बार देखो सर तो एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ समझ लेना ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय पहले केस में 2% और दूसरे केस में 20% तो बस यही चीज आप ध्यान रखना कि जैसे ही देखते हो 2% मतलब एरर लग जाएगा और जैसे ही देखते हो 20% मतलब रेगुलर फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे तो बस रेगुलर फॉर्मूला पहले वाले इसमें लगा लेते हैं तो पहले वाले का सोल्यूशन क्या है 2% जैसे देखा तो ये लगा दो तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी इज इक्वल टू डी बाय आर ये कितना दिया 2% इज इक्वल टू डी बाय आर परसेंट है तो 128 तो यहाँ से अगर 128 किलोमीटर 2% डिक्रीज हो जाएगा एक मिनट ऑनलाइन वाले सुन लो तो अगर सरफेस से 128 किलोमीटर ऑनलाइन वाले सुन लो अगर 128 किलोमीटर हो जाओगे तो जो ग्रेविटी है वो कितने परसेंट से कम हो जाएगी तो डिक्रीजेस बाय 2%
इसको देख लो बस इसी में इसमें क्या 20% तो एरर लगा नहीं सकते हाँ। तो 20% तो पुराना वाला जो आप भरी बुक ले लो वो भी ले लो ये भी ले लो नहीं पूछा कि जो भी आपको करना हो अभी फिलहाल के लिए कितना 20% और ये जो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ बची हुई है परसेंट बची हुई है सारे फॉर्मूले में जी डी और जी एच जो है वो क्या बची हुई तो 20% से कम मतलब 80% सॉल्व करें ना 80% मतलब कितना फोर बाय फाइव बराबर मतलब कितना फोर इधर कितना आ जाएगा फाइव वन माइनस डी बाय इसको किधर ले जाएंगे उधर और इसको इधर ले जाएंगे डी बाय आर बराबर कितना वन माइनस फोर बाय ये क्या है इतनी डेप्थ पर 20% चलिए सुनो अब इसमें कर दो बंद